दोस्तों OnePlus Nord CE 2 स्मार्टफोन को मैं पूरे दो दिनों से यूज कर रहा हूं और आज की स्टूडियो में मैं इसी स्मार्टफोन का डिटेल 2 डेज वाला रिव्यू करके आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे फोन के डिजाइन की। तो डिजाइन के मामले में भाई ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि ग्लास बैक के साथ में आता है, भाई अच्छी बात है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर हमें 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस फ्लूड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और यहां पर अगर मैं अपना 2 डेज वाला एक्सपीरियंस दूं भाई, तो कंटेंट वॉचिंग मैंने YouTube वगैरह पे सब कुछ प्ले करके देखा, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था क्योंकि फ्लूड AMOLED डिस्प्ले मिल रही है, भाई अच्छी बात है। साथ ही दोस्तों जो मैं इस पे थोड़ी बहुत गेमिंग करी है ना 2 दिनों के हिसाब से, तो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने की वजह से काफी स्मूथली मैं इस पे गेमिंग कर पाया, कोई दिक्कत नहीं आई। और आपको बता दूं कि OnePlus का स्मार्टफोन Android 11 के साथ में आता है जो कि Oxygen OS 11 पर बेस्ड है। और अब बारी आती है दोस्तों इसके चिपसेट की, तो आपको बता दूं कि फोन के अंदर हमें Dimensity 900 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। लास्ट 2 डेज एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई काफी बढ़िया रहा क्योंकि डे टू डे यूसेज के टास्क काफी स्मूथली मैं इस पे कर पाया। और अगर मैं बात करूं गेमिंग की, तो गेमिंग में भाई मैं इस पे काफी जबरदस्त वाली कर पाया, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई मेरे को दोस्तों। और यहां पर फोन का एंड्रॉइड स्कोर आता है 4,60,000 के करीब जो कि एक अच्छा स्कोर है। फोन के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, साथ ही स्मार्टफोन LPDDR4X RAM को भी सपोर्ट करता है। और अब बारी आती है दोस्तों फोन के बैक कैमरा सेटअप की, तो फोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और दोस्तों यकीन मानिए जो मैंने इससे फोटोज वीडियोस क्लिक करी है ना भाई, काफी शानदार एक्सपीरियंस रहा क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना काफी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है, कैमरा के हिसाब से स्मार्टफोन काफी बढ़िया है। और यहां पर आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग फोन के बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों कंपनी ने सेल्फी लवर्स के लिए यहां पर फोन के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है जो कि काफी बढ़िया है और काफी अच्छी फोटोज क्लिक कर देता है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप फोन के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट को लेके, तो इस फोन के अंदर हमें 4500mAh की बैटरी दी गई है। लास्ट 2 डेज एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई मुझे 1 दिन का बैटरी बैकअप काफी आराम से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं आई। और दोस्तों फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन 65W को सपोर्ट करता है जो कि फोन को काफी जल्दी से चार्ज कर देता है, काफी बढ़िया बात है। और अगर मैं बात करूं यहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो OnePlus का स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में आता है, NFC को भी ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। और रही बात दोस्तों 3.5mm जैक भी हमें स्मार्टफोन के अंदर दिया गया है क्योंकि काफी कंपनी आजकल रिमूव कर रही है, लेकिन इन्होंने दिया भाई बढ़िया बात है। और अगर मैं बात करूं यहां पर स्पीकर्स की, तो ये स्मार्टफोन सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, लाउड इनफ है, काफी अच्छे वॉल्यूम हमें प्रोड्यूस करके दे देता है, कंटेंट वॉचिंग में आपका एक्सपीरियंस काफी बढ़िया होगा। और दोस्तों सिक्योरिटी के लिए हमें फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं OnePlus Nord CE 2 स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो इस फोन की 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 25,000 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको इसे बाय करना है या नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और यार अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना लास्ट 2 डेज एक्सपीरियंस को देखते हुए, तो भाई डेफिनेटली आपको स्मार्टफोन को जरूर से बाय करना चाहिए क्योंकि चाहे आप कंटेंट वॉचिंग लगा लो, चाहे आप चिपसेट, बैक कैमरा सेटअप, फ्रंट कैमरा, फास्ट चार्जिंग का जो सपोर्ट है, और साथ साथ जो इसका डिजाइन है ना भाई, सारे मामलों में ना काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, इसलिए आप इसे जरूर से बाय करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस OnePlus Nord CE 2 के लिए। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग रिव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।